हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे बाबा के बहुत ही प्राचीन मंदिर बटेश्वरनाथ के। बटेश्वरनाथ यमुना नदी के तट पर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बटेश्वर एक समृद्ध इतिहास के साथ सबसे पुराने गांवों में से एक है। यह भारत में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से भी एक है। बटेश्वर स्थल यमुना और शौरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। हिंदुओं के भगवान शिव के सम्मान में यमुना नदी तट पर स्थित बटेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। कुछ मंदिरों की दीवारों और छत में आज भी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। यमुना के तट पर एक पंक्ति में 101 मंदिर स्थित हैं, जिनको राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनाया गया था। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के प्रवाह को, जो कभी पश्चिम से पूर्व की ओर था, उसको बदलकर पूर्व से पश्चिम की ओर और अर्थात बटेश्वर की तरफ कर दिया। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण भी राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। बटेश्वरनाथ मंदिर का रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण के पवित्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। बटेश्वर मंदिर में सावन का महीना बहुत ही अहम है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त बटेश्वर बाबा पर गंगाजल अप्रीत करने के लिए 160 किलोमीटर दूर से गंगाजल अपनी कावड़ में लेकर आते हैं। बटेश्वर धाम में सावन महीनों के प्रत्येक सोमवार को ही कावर का जल अप्रीत किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कावर लेकर बटेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। शिवरात्रि भी बटेश्वर मंदिर में जोरों शोरों से मनाई जाती है। शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पर निकटतम रेलवे स्टेशन है। बटेश्वर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर आगरा नजदीकी हवाई अड्डा है। अक्टूबर से मार्च का समय यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।